you are the budding journalist. I'm seeing so many faces. One thing which is, you know, which I am very happy about, that there are equal numbers of boys and girls. Because when we started, it was like 20 girls and 2 guys over there in our class. So guys, Patrakarita, if you talk about media, media is a medium. Medium about anything. You know, you talk to each other, that is also a medium of communication. You talk to masses, that is also a, you know, medium of communication. Patrakarita ki is field ki agar baat kare, hum sab log jo hai aapki generation ki agar main baat karu, jab humne padhai ki shuruaat kari thi, tab ye course jo hai, tab media industry boom par thi, matlab ekdam se usme uchhal aaya aur hame ye options jo hai ye talashne ke liye hamare teachers ne kaha tha ki aap is field ki taraf jaiye. When I went to university, Himachal Pradesh University, I went to take admission in HM, Hotel Management. But there was a sir who was sitting at the admission counter. He said that when I was interacting with him, he said that, you know, you should try this course. I said, what are the opportunities I'll be getting after completing this course? Will I be able to get any job in media? That was the question. Cause at that particular time, उस समय की बात ये थी कि पत्रकारिता प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीमित थे. आप लोग बनिंग जर्नलिस्ट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जहन में, आपके दिमाग में कई तरह की चीजें चल रही होंगी. There are lot many things. I'm not here to teach you anything. These guys are doing pretty well because they are your teacher. They are teaching you the main things, main basics of journalism, but I am here to share my field experiences with you, that how this field, how this profession goes. पत्रकारिता में जब मैंने पहली बार क्लास में मैं गया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी दुनिया है जिसे आप लोगों को जीना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है इस फील्ड में. क्योंकि हमारे दौर में, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम लोग ये सोचते थे कि अगर टीवी में नौकरी मिली तो कैमरा के आगे माइक लेके खड़े हो जाएंगे, प्रिंट में नौकरी मिली तो रिपोर्टर बनकर फील्ड में घूमेंगे. लेकिन ये फील्ड इससे बहुत बड़ी है. देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, देयर आर यू नो अ न्यूमेरस नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन मीडिया. आज के दिन मैं आप लोगों से, इट विल बी, मैं जिस तरह से मैंने कहा मैं पढ़ाने नहीं आया, तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, आप में से कितने बच्चे जो है यहां पर ये सोचते हैं या जिनके दिमाग में ये है कि आप मीडिया में क्या करना चाहते हैं? आप लोग जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए, जो कैमरा पे जो आना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें. बाकी जो लोग हैं, अगर आप एक एक, मतलब कुछ लोग अगर मुझे बता सके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट यू वांट टू परस्यू, व्हाट यू वांट टू डू इन दिस फील्ड, कुछ, क्योंकि ये जिन्होंने हाथ खड़ा उनके अलावा कोई बच्चा अगर बताना चाहे कि आप मीडिया में क्या करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग के अलावा, एंकरिंग, lobbyist. I want to be a lobbyist. This is a good thing because this after PR. Basically, you should be very much clear about your concepts. You should be very much clear about what you gonna pursue in future. आपको आपके भविष्य के लिए अभी से तैयार होना है. सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें चैलेंजेस बहुत है. अगर आप अपने पूरा दिन, ये तीन, ये फील्ड जो है वो तीन चीजें आपको सिखाती है. पहली पेशेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, और तीसरा आपका पर्सपेक्टिव बदलेगी दुनिया को देखने का. लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर का पर्सपेक्टिव जो है उसे बदलना होगा. आपको एक श्योरिटी लानी होगी कि आपको करना क्या है. मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ यू गाइस जस्ट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एक्सेप्ट यू. कैमरा के आगे की दुनिया बहुत ही शानदार है, ये मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने इसको जिया है. मैंने 14 साल 12 साल अपनी जिंदगी के टीवी की पत्रकारिता को दी है. लेकिन जर्नलिज्म की अगर बात करें तो जर्नलिज्म जो है वो कैमरा के आगे की दुनिया तक ही सीमित नहीं है. जर्नलिज्म एक खुद में एक अलग दुनिया है. जर्नलिज्म की अगर बात करें, आप जो है टीवी रिपोर्टर बन सकते हैं, आप रेडियो में जा सकते हैं, आप कंटेंट जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, आप जो है एनालिस्ट बन सकते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ अस, जब मैं था, जब मैंने भी शुरुआत करी, तो मुझे भी ये लगता था कि
वो जो एक दुनिया है जिसमें स्टार्स के साथ मिलना होता है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ मिलना होता है, उनके इंटरव्यूज करने को मिलेंगे, लोग मुझे जानेंगे, तो ये इसके अलायदा जो ये फील्ड है उसमें कई एक 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 बड़ी टीम काम करती है। मैं अपने एग्जांपल देता हूं, मैं रिपोर्टर हूं, लेकिन मैं रिपोर्टर तब तक हूं जब तक मेरा कैमरा ऑन है। अगर मेरा कैमरामैन मुझे नहीं दिखाएगा तो मैं टीवी पे नहीं दिखूंगा। जब वो कैमरामैन उस फील्ड को, मेरी जो इनपुट डिपार्टमेंट है उसको इंजेस्ट करवाता है, जब भेजता है, तो वहां पर पैनल प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं जो कि उसे एडिट करते हैं। वो एडिटेड वर्जन जो है वो आउटपुट के पास जाता है। देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर दैट, दैट इज आउटपुट। आउटपुट में भी आपके जो है सीनियर प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं जो आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं कि आपने पैकेज में लिखा क्या है, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। और मैं यहां पर देख रहा हूं कई लोग हैं जो कि रिपोर्टर्स बनेंगे, कई लोग शायद पैनल प्रोड्यूसर्स बनेंगे, कई लोग जो है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा जो है कैमरा काम करेंगे। अ ह्यूज नंबर ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद आप लोग नहीं जानते हैं। आपके लिए पत्रकारिता वही चेहरे हैं जिनको आप देखते हैं रोजाना, टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, जिनकी आवाज सुनते हैं। लेकिन ये फील्ड बहुत बड़ी है, देयर आर मल्टीपल स्कूल्स। आपकी दुनिया में, हमारे टाइम में, जिस तरह से मैंने कहा, जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे उस समय प्रिंट मीडिया जो है उसका ये समझा जाता था कि डाउनफॉल चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है शिफ्ट करना चाहिए। मैंने जो है पंजाब के इसलिए छोड़ा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो जॉब स्टार्ट करी। लेकिन 14 साल के बाद भी भारत के परस्पेक्टिव में, इंडियन परस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूं, इस मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो आज भी प्रिंट जो है वो जिंदा है, जबकि अब्रॉड में प्रिंट वर्जन खत्म हो चुका है। लेकिन आपके लिए अभी भी इस देश में 900 से ज्यादा, अप्रोक्सीमेट मोर देन 900 सेटेलाइट टीवी चैनल्स काम करते हैं 24/7। 1 लाख, मोर देन 1 लाख पेपर्स जो है वो पब्लिश हो गए हैं। उन पेपर्स का डिजिटल फॉर्म जो है आपको आपके मोबाइल्स पर मिल जाता है। एवरीबडी सिटिंग हियर एंड सिटिंग आउटसाइड दिस डिफरेंट क्लासेस और इन द कैंपस अ जर्नलिस्ट, मुझे ये लगता है, क्योंकि आजकल हर आदमी के हाथ में वो डिवाइस है, दैट इज अ मोबाइल फोन। आप कहीं से भी किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। पहले मास कम्युनिकेशन जो है वो लिमिटेड था, इंटरैक्ट करने के उतने तरीके नहीं थे। मैं ये कहता हूं कि यू गाइस, आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लिया है, मेरे परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं ये कहूंगा यू आर द जैक ऑफ द ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, बट यू शुड बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। नाउ इट्स अ पॉपुलर सेइंग, आपको हर चीज में मास्टर होना होगा। आपको ये नहीं है कि आपको माइक पकड़ के कैमरा के आगे मास्टर बनना है, आपको कैमरा के पीछे का भी मास्टर बनना है। आपको पैनल प्रोड्यूसर के तौर पर उस पीसीआर टीम को भी हैंडल करना है, आपको ब्रॉडकास्टिंग को भी जो है देखना है। देयर आर मल्टीपल स्कोप्स। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि ये दुनिया जो है, ये जर्नलिज्म की फील्ड हर दिन, हर घर में, हर जगह पर आप एक मीडियम बनकर, एक मीडिया बनकर जो है वो आप इस जिंदगी को जीते हैं। आप लोगों के जहन में समय चल रहा होगा, कुछ लोग फाइनल ईयर्स के भी होंगे यहां पर, उनके दिमाग में चल रहा होगा पेपर हो जाएंगे, उसके बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे कैसे करेंगे। पहली बात, मैंने पहले भी कहा कि अपना गोल सेट करिए। He was pretty much clear that what he wants to do. आप लोगों ने अगर तय नहीं किया है तो दोस्तों अभी तय करने का समय है कि आपको करना क्या है। आप मूवीज देखते हैं सारे? सारे देखते हैं? Yes, sir. मूवी का खत्म होने के बाद थिएटर से उठ जाते हैं, या जो एक स्क्रोल चलता है पूरा का पूरा, जो मूवीज बनाते हैं उसका स्क्रोल देखते हैं आप लोग? सारे के सारे एंड हो जाती है फिल्म, उसका स्क्रोल देखते हैं आप? Yes, sir. देखते हैं? कितना स्क्रोल चलता है? 150 नाम आते हैं उसमें? Yes, sir. More than 150. वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं। टीवी जर्नलिज्म में आप फिल्म प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, उसमें आर्ट डायरेक्टर भी होता है, उसमें स्क्रिप्ट राइटर होता है, उसमें कैमरा क्रू होता है, उसमें ऑडियो इंजीनियर होता है। तो 200 लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की है। आप अपने आप को इस चीज तक सीमित मत रखिए कि आपको खबरें लिखनी है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप इस चीज तक अपने आप को सीमित रखेंगे तो आप इस संसार को, जर्नलिज्म के इस बड़ी दुनिया को जी नहीं पाऊंगा। मैं टीवी के लिए काम करता हूं, मैं चैनल पे आता हूं, मैं रोज देखता हूं, मैं रोज स्टार से भी मिलता हूं, मैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से भी मिलता हूं, लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं।
क्योंकि अगर मैं अपने आप को रोक दूंगा तो वहां पर मेरी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. आई वॉज डिस्कसिंग विद द ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम. आई स्टार्टेड अ शो ऑफिसर मामा. देयर वाज अ आइडिया बिहाइंड दैट पर्टिकुलर शो. एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू सी how a political leader is living. Everybody wants to see how Salman Khan is living. What about the bureaucrats? What about the bureaucracy? So there was an idea that I, you know, pitched that show in front of my boss and I started that show. That show was the number one TRP show for my channel. Later on, I was given responsibility of 3 states, Punjab, Haryana, Himachal, including my English channel. I'm also looking after videos.